नमस्कार, जय हनुमान, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। मनुष्य का जीवन जो है सुख दुख से भरा हुआ है, और अगर सुबह सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में से ही अपने दिन की शुरुआत अच्छे तरीके से करे तो सारा दिन जो है अच्छा जाता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम बहुत मेहनत करते हैं, हमारे परिवार भी काफी मेहनत करते हैं, सब कुछ चलते हुए भी जो है काम बिगड़ जाता है, काम बनता नहीं है, कभी कोई ना कोई रुकावट आ ही जाती है। तो ऐसे में जो है आप बोल सकते हैं कि हो सकता है कि ग्रहों के दोषों की वजह से आपका काम जो है नहीं बन पा रहा है। देवी देवताओं का आशीर्वाद तो मिल रहा है, लेकिन जो ग्रह हैं वो आपके अनुकूल नहीं है, आपके राशि के अनुकूल नहीं है। ग्रह की अनुकूलता की कमी के कारण जो है आपका काम नहीं बन पा रहा है। तो ऐसे में आज मैं जो आपको मंत्र बताने वाली हूँ, ये जो मंत्र है वो ब्रह्मा मुहूर्त में ही बोलना है, और ये बिल्कुल ब्रह्मास्त्र के जैसा काम करता है। चाहे वह आपके आर्थिक स्थिति हो, परिवार की स्थिति हो, या कोई भी जीवन की समस्या हो, आप इसी एक मंत्र का उच्चारण करके अगर आप दिन की शुरुआत करते हैं, तो ये मैं नहीं बोल रही हूँ कि एक दिन ही करने से आपका काम बन जाएगा, लेकिन एक दिन अपनी दिनचर्या में आप इसे अगर शामिल कर लेते हैं तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। आपके कभी कोई काम नहीं रुकेंगे, रुके हुए काम भी आपके बनने लगेंगे। चाहे आप कर्ज में डूबे हों या आपका कोई कर्ज नहीं मिल रहा है, वह भी मतलब सारे काम जो है आपके बनते चले जाएंगे। बुद्धि विवेक सारी चीजें जो है बढ़ने लगेंगी, और साथ ही साथ परिवार में खुशहाली धनवान आप बनेंगे। इसका कारण ये है कि जब ग्रह की दिशा ग्रह आपके अनुकूल हो जाते हैं, इसका कारण ये है कि जिसकी वजह से आपका सारा काम जो है बनता जाएगा। ग्रहों की शांति बहुत जरूरी है। ये ब्रह्मा मुहूर्त में जो कहते हैं कि 3 से 5 का जो समय होता है ब्रह्मा मुहूर्त का होता है, और देवी शक्तियों का ये समय होता है। उस समय पूरे वातावरण में जो है देवी शक्तियों का घुलना मिलना शुरू होता है, और इस समय में अगर व्यक्ति जग जाता है तो उसका सारा दिन जो है कार्यक्रम उसी हिसाब से बन जाता है। उसका जो काम है सही टाइम पर सही समय पर होने की वजह से, अपने कर्म को अच्छे तरीके से निभाने की वजह से उनका काम भी बनता जाता है। लेकिन दिन की शुरुआत करने से पहले आप बेड पर ही बैठे बैठे अगर ये मंत्र उच्चारण करते हैं और लगातार उच्चारण करते हैं तो आपका काम जो है बनता जाएगा, आपका दिन जो है अच्छा बीतता जाएगा। तो इसमें कुछ नहीं करना है, ये मंत्र जो है आपको ध्यान से सुनना है और इसको लगातार जो है आपको बोलना है। बेड से उतरने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप 3 से 5 के बीच में नहीं उठ पाते हैं तो आप सूर्योदय से पहले 1-1.5 घंटा पहले भी अगर उठ जाते हैं तो भी आपको बेड से उतरने की जरूरत नहीं है। बेड पर बैठे बैठे जो है भगवान का ध्यान करते हुए और आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं, कुछ इच्छाएं हैं, या आपका कोई काम रुका हुआ है, या आप यूं ही भगवान का नाम लेकर दिन की शुरुआत करना चाहते हैं कि पूरा दिन जो है आपका अच्छा बीते, तो आप ये जो मंत्र है बेड पर बैठे बैठे आप बोल सकते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगी कि आप लोग जो है वीडियो को पसंद कर रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा लाइक कर रहे हैं। आप इसे अपनी फैमिली फ्रेंड्स परिवार जनों में शेयर करते रहिए, यही मेरे लिए सबसे बड़ी जो है गुरु दक्षिणा है। क्योंकि कोई भी किसी से कुछ सीखता है या प्राप्त करता है तो भले 1 रुपए का दान क्यों ना करे, लेकिन करना चाहिए। तो ये गुरु दक्षिणा के रूप में ही मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने परिजनों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। सनातन धर्म को आगे बढ़ाइए ताकि लोगों में जो है एकता भी बने और साथ ही साथ धर्म के प्रति जो है उनकी जागरूकता बढ़े और वह अपने जीवन को अशांत जीवन को शांत कर पाए और अच्छे से अपने जीवन परिवार को व्यतीत कर पाए। तो वीडियो को इसी तरह से आप लोग फैलाते रहिए ताकि सभी का जो है भला हो सके, और यही हमारी गुरु दक्षिणा के रूप में हमारे लिए बहुत ही बड़ा काम। अब जो आपको ये मंत्र है बता रही हूँ, ये मंत्र को आप कहीं लिख लीजिए और ये मंत्र जो है आप 2-3 बार पढ़ेंगे तो और भी अच्छे तरीके से आपको याद हो जाएगा और अच्छे से आप बोल पाएंगे, और इसको आप कहीं लिख कर रख लीजिए। ये जो मंत्र है ये आपको किस तरह से बोलना है आप लिख लीजिए। तो ये चौपाई है, ये हनुमान चालीसा की चौपाई है जो बहुत ही शक्तिशाली चौपाई है, बहुत ही शक्तिशाली ये मंत्र है, तो आपको इसी का जाप करना है। तो सुनिए, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरु देव की नाई, जो 7 बार पाठ कर कोई, छूटे बंदी महासुख होई, जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्ध साखी कोरिसा। इसी को बार बार रिपीट करना है और कम से कम जो है आपको 108 बार, 21 बार या 5 बार लगातार आपको यही लाइन बस आपको बोलनी है। पूरी हनुमान चालीसा भी बोलने की जरूरत नहीं है, आप बस चौपाई मात्र का जाप कर लीजिए और आपका जीवन जो है धन्य हो जाएगा। तो आप इसको करके जरूर देखें। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आप सभी का धन्यवाद।